क्या नहीं छोड़ना? हाँ या ना, छोड़ोगे नहीं? सवाल का जवाब दे फिर मेरे। गोल बटन के इधर बाजू का दबाओ। हाँ इधर का, इधर का। हाँ छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुझे? पूरा मार के खत्म कर लूंगा। दे रहा नहीं दे रहा मेरे सवाल के जवाब? दे रहा कि नहीं दे रहा सवाल के जवाब? हाँ फिर बोल। हाँ कहाँ कहाँ से आया था? शमशान से, कब्रिस्तान से? हाँ कौन ला के डाले औरत की अदमी? छोड़ दो तुमने तो पूरा जला के रख कर दिया। क्या कर रहा था उसको? बीमारियां लगा के मारने का था? हाँ हाँ बोल, क्या करने का था उसको? बीमारियां लगा के मारने का था? हाँ बदमाश शैतान, क्या कर रहा था? और घर में किरकिरियां भी लगा रहा था क्या? हाँ कमाई की बरकत उड़ा दिया उसकी? हाँ इबादत करने नहीं दे रहा था उसको? नमाज़ पढ़ने नहीं जान दे रहा था? तेरे साथ में कम बखत वो नहीं करेंगे छोड़ने का मामला, जब तक सवाल का जवाब नहीं दिखा दो। हाँ बोल जल्दी। आ गए यार, छोड़ देने तुझे। तेरे हाथ काट के बाहर टांग देंगे, बस तू तेरी मुंडी काट के बाहर बंद देंगे, तू गिनते रहना कितने लोग आ रहे कितने जा रहे। छोड़ देने तुझे, जल्दी बता सही सही। हाँ चल बोल जल्दी, कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से? तुझे औरत ने पकड़ के लाके डाली उसके आंग में, क्या आदमी डाला? नहीं बुझती बुझा बुझा नहीं बुझती वहां का, और तेज जलाओ 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 कुत्ते से जलाओ। कौन से आए थे? औरंगाबाद से। कितने बार आ रहा उसके आंग में ऐसा? अरे बहुत दिन से जा नहीं रहा, ऐसे खाली फोन पकड़ के रह जाता है। आज पूरा जो एकदम खून से पूरा हो गई थी, दिखते नहीं था। और बहुत दिन से बहुत दिनों से परेशान कर रहा था उसे। हाँ कंबाज शमशान से आया था, कब्रिस्तान से आया था, किधर से आया था? हाँ
किस चीज में मिला के खिलाए थे उसको? क्या था खाना? बिरयानी, चावल, दाल, क्या थे? किस चीज में खिलाए थे? किस चीज में? किस चीज में खिलाए थे? सालन ने आ रहा बहुत पहले से उसके अंग में। अच्छा चल तुझे एक मौका दे रहे, सब याद करके आके सुनाना दूसरे चक्कर तक। कौन डाले थे उसके अंदर, कहां से लाए थे, कितने लोगों को मारा, इसको कब मारने वाला है, सारी दास्तान बयान करना दूसरे चक्कर तक आके। ना आला उसको कब मारने वाला है छोकरे को, तुझे कहां से लाके डाले उसके अंग में, शमशान से, कब्रिस्तान से, जादूगर कहां का था, कितने लोग थे, रिश्तेदार थे, दूर के थे, नजदीक के थे, सारे बातें बयान करना दूसरे चक्कर तक। तुझे एक मौका दे रहे, चल छोड़ निकाल उसको। ओए क्या होगा, वैसे नहीं कराते ये पानी। हाँ। बढ़ाते जाना, पिलाते जाना, सुबह शाम दो तीन टाइम, या दिन भर ज्यादा ज्यादा, हर नमाज के बाद में सात बार अतल कुर्सी, सात सात बार चारों कुल पढ़ के पानी दम करना। हाँ। और दिन भर ज्यादा ज्यादा उसको पिलाते रहना, और उन्हें भी पढ़ के दम करा तो अच्छी बात है खुद का खुद। और ये पानी को स्प्रे करना उसके आंख पे, चेहरे पे, घर में, खिड़कियां, दरवाजे, सब तरफ। क्या नाम है उसका? मोहम्मद कासिम है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। कहाँ से आए थे? औरंगाबाद। अभी क्या हुआ, कुछ याद है क्या? याद नहीं, थोड़ा 10% याद, 10% अच्छा, 90% नहीं। क्या कोई शय है? और वो शय खुद ब खुद लगे वाली नहीं है वो। हाँ। वो खिला के लाके छोड़कर जादू टोने से करे वाला अभी का नहीं है, बहुत पहले का है वो। हाँ, बहुत दिन से। हाँ। दिखता नहीं क्या? नहीं। वो तो खैर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो सब राइट होंगे अल्लाह करम से। और दूसरी बात कि ये जो दास्तान है उसके अंदर छोड़े वाली शय, ये भी जो शय थी, जो जिन्ना, शैतान, भूत, खबीस, जो भी बलाएं हैं, वो खुद ब खुद लगते नहीं, उनकी दुनिया के भी कुछ रूल्स रहते हैं और कुछ अलग रूल्स है। और सबसे अहम बात ये है कि उन्हों किसी को परेशान नहीं करते खुद ब खुद आकर, उनको जब तक हुक्म देते नहीं, जब तक लाके छोड़ते नहीं, जब तक उन्हों आकर किसी को परेशान, ये जादू टोने से जब लगा देते तो उनको क्या करते हैं, वो इंसान के साथ अटैच करा देते हैं, यानी कि उनको भी बंदिशों में लेके करके बहुत सारे वाह वो तरीके रहते हैं पढ़ाई के, वो सब करा के छोड़ देते हैं हमेशा के वास्ते। फिर वो क्या करता, वो इंसान के अंदर धीरे धीरे घुसकर उसको परेशान करना चालू करता, परेशान ऐसा करता कि सबसे पहले फर्स्ट वार इकोनॉमिक कंडीशन से, माली हालात से कमजोर कर दो, यानी कि पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके हालात सही तरीके से नहीं रहने देते, धीरे धीरे उसके सारे काम बिगड़ा के उसको धीरे धीरे तबाही की तरफ लगा के कर्ज में डुबा के खत्म कर देते। फिर उसके साथ साथ घर में किरकिरियां चलता, उस कारोबार को खत्म कर दिए, फिर किरकिरियां होते, फिर खैरों पर कत उड़ जाती घर की, फिर उसके साथ साथ में ब्लास्ट में उसको गला गला के मार देते पेशेंट को। ये तरीके रहते जादू टोने के, वारों के। और अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए बार बार। तो मैं यही कहता तुम लोगों को कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, ये बात याद रखना। क्योंकि तुम पर जानदार पे भी अल्लाह हुकूमत करता, बेजान पे भी अल्लाह हुकूमत करता। कुरान में भी फरमा दिया ना, जानदार से हम बेजान को पैदा करते और बेजान से हम जानदार को पैदा करते, बेजान मुर्गी से जानदार, मुर्गी से बेजान अंडा पैदा होता, बेजान अंडे से जानदार मुर्गी पैदा होती। फबले गया अलै रब्बी को मौतों का जिबाना, और तुम खुदा की कौन कौन से नियामतों को झुठलाओगे अकल के अंदर लोगो। चार दिन की जिंदगी तुम्हारे से ज्यादा तो जिंदगी उनको थी, दिवाली 1000 साल, 1200 साल, 1200 साल, 1500 साल, 2000, इतने तो उम्र दिया लेते वो पहले के कौन कौन से पैगंबरों के उम्मतों को, जरा पढ़ो तुमको पता चलेगा। मैं क्या बयान करूं मेरे जबान से, बाद में क्या आलम हो गए। आज तुमको 60 साल की जिंदगी दिया ली, उसमें से भी तुम 60 साल भी नहीं टारगेट पूरा कर सक रहे। कोई 30 में मर रहा, कोई 35 में मर रहा, कोई पलक मारे तक मर जा रहा, किसी का भरोसा नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। और इबादत की राह को छोड़ के भटक जाएंगे तो ऐसे वबाओं में घिर जाएंगे, और वबाओं में बलाओं के साथ घिर जाने के बाद तुम इबादत करने को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस राह पर तुम आपको जाने नहीं देते। इसलिए पहले से ही इबादत की रस्सी को मजबूत थाम के रखना, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने जब तुम्हारी हिफाजत की ठान ली तो फिर कोई तुम्हारे को गिरा नहीं सकता, जहमत नहीं दे सकता, कुछ नहीं किया नहीं। तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की कब ठानेगा, जब तुम मोमिन बंदे बनेंगे, अल्लाह वाले बनेंगे, और तुम क्या बोलते, तुम नेक इंसान बनेंगे दुनिया में, तो कर भला तो हो भला,
तुम अगर किसी का अच्छा सोचेंगे तुम्हारा अच्छा, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, इससे कोई जादू टोने को फर्क नहीं पड़ता। जादू टोना ये नहीं देखता वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई हो, किसको भी जिस पे हमला करने का हुक्म दिया उसके मारते बरोबर मारते हो। काला नहीं देखते, गोरा नहीं देखता, कन्नी का उटाल जादू टोना ना सफेद देखता, ना पैसे वाला देखता, ना गरीब, ना कोई सर्वेंट, ना राष्ट्रपति, ना कुछ नहीं गिनते, किसी को नहीं देखते। शैतान है वो, उनको क्या कहीं पे भी जाते मार के आते हो, तुम भले ही लाख तुम आपको मशीन रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने पकड़ में नहीं आते हो, बरोबर बीमारियां डाल के हमले करके भाग जाते मार के। वो सब अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान ने दुआ पढ़ के अपने आप को महफूज रखना, हर किसी का तो परिवार रहता है, इंसानियत की तो इंसानियत है ना। हिंदू के भी घर में अगर जादू है तो उनसे पूछो उनके घर में कितनी परेशानी हो रही है, एक मेंबर अगर कोई परेशान है तो, मुसलमान के भी घर में, क्रिश्चियन के भी घर में अगर कोई परेशान है तो उससे पूछो उसे घर क्या है, ऊपर क्या आलम बिकता, क्या पहाड़ टूटगा। तो इसलिए बेहतर कि सब लोग दुआएं याद करना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई दुआ याद कर सकता, दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारा और भी बहुत सारी दीन की दुनिया की दौलत अता करेगा। मगर तुम दुआएं याद करो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ तुम लोगों का भी हथियार है, तुम इंसान है, तुम अगर वो पढ़ेंगे तो इस सब हवाओं से, बलाओं से, जिन्नाता, शैताना, चुड़ैला, जो भी है ये ना दिखने वाली अदृश्य ताकतें, इनसे तुम महफूज रहेंगे। एक तुम दुआएं पढ़ने से एक तुम्हारा पॉजिटिव ताकत, कोई एनर्जी तुम्हारी हिफाजत करेंगी जिसने दुनिया की रचना रची। और तुम अगर इबादत नहीं करेंगे तो ये दुआएं नहीं पढ़ेंगे, महफूज नहीं रहेंगे, फिर तुम कैसे महफूज रहेंगे। निगेटिव ताकत तुम्हारा घेर लेंगी और निगेटिव ताकत इतना बुरे तरीके से सड़ा सड़ा के मारती कि मैंने तुम्हारा प्रैक्टिकल में हर इसके अंदर बता दिया, दास्तान में मैंने कोई कहानी, कोई किताब मेरा किस्सा ऐसा पढ़ के नहीं सुनाया तुम्हारा, मैंने डायरेक्ट तुम्हारा अल्लाह के फजल व करम से प्रैक्टिकल में बताया कि देखो क्या चीजें हैं, क्या वबाएं हैं, लोग को बीमारियां समझ रहे थे, तो कहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। इसके ऊपर भी जो गला शय लगाए वाली है तो उसके नस नस में भिन गया ये पूरी दवा, और भिन के पूरा कंट्रोल में लेगी, क्या बोलते तो उसके खून में दौड़ रहा हो पूरे शरीर में, वो तो अमल के दौरान में जिक्र अज़कार इबादत ये सब अमल करते तो निकाल के बाहर फेंक देंगे। मगर हर चीज के अलग अलग वार रहते हैं और हर चीज के अलग अलग तरीके रहते हैं और उसको उस तरीके से हल करना पड़ता। तुम बोलेंगे कि नहीं मुझे बिरयानी पकाने का है, मैं बिरयानी में गोश्त नहीं डालूंगा, मसाला नहीं डालूंगा, खाली हल्दी डालूंगा और बिरयानी में आलू डाल के घोट दूंगा, बिरयानी बनना तो खिचड़ी बन जाती बेटा, वो बिरयानी नहीं बनती। और अगर क्या बोलते तो नहीं मैं आलू नहीं डालूंगा, मैं मिर्ची डालूंगा, गोश्त डालूंगा, बिरयानी में हल्दी डालूंगा, तो वो बिरयानी नहीं बनती, फिर वो तहारी बन जाती। तो सब अलग अलग है ना, हर चीज का अलग अलग रूल्स है, हर चीज के अलग अलग तरीके, उसको उस हिसाब से फॉलो करके हल कराना पड़ता। सब अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं बार बार तुमको ये सब बातें इसलिए बताता कि तुमको अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा मुझको, तुम लोगों को बताना वाजिब है, और इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। मैं तो तुम्हारे से क्या लेना देना है किससे। सबसे अहम बात मैं बार बार सब लोगों को यही बोलता हूँ कि सब चीजों का निचोड़ कंफ्यूजन इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लेना। और ये फितना अंगेज दौर चल रहा, फितना रंगेज, इतना खतरनाक कि अल्लाह तुम्हारे सबके ईमान की हिफाजत करे। अपने ईमान की हिफाजत करो, कोई क्या बोलते तो जादूगरों के पास, खबीज बला बताए वालों के पास मत जाओ, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान खराब कर देते। और उसके साथ साथ बहुत सारे डुप्लीकेट उलमा, बदमाशियां, जमाता, फिरके, क्या क्या निकल गए इस दौर में। तुम क्या बयान करूं, तुम अब खुद से हदीस पढ़ो, खुद से कुरान पढ़ो और खुद से तुम देखो तरीके क्या है, तुम कौन गुमराह कर रहा है, क्या गुमराह होने से बचो। और तुम अगर नहीं बचेंगे तो फिर तुम्हारी आखिरत भी गई, तुम्हारी दुनिया भी गई। इतने फिरके आ गए मार्केट में, अल्लाह मोमिन बंदों की तो हिफाजत करेगा और भोले वाले उसके जो बंदे रहते गरीब उनकी भी हिफाजत करे मालिक, क्योंकि दुनिया बेच के, आखिरत बेच के दुनिया खरीद के क्या करेंगे। दुनिया के लालच में आखिरत मत बेचो, अगर आखिरत बिक जाएंगी तो फिर तुम क्या बोलते हो तो कुछ ही मतलब नहीं तुम्हारी दुनिया खरीद के, दुनिया में आई शैयाशियां और वो करके ये सब, फिर कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुमको लामहदूद जिंदगी में आजाब भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता कि दुनिया को बेच दो और आखिरत को खरीद लो, और अगर तुम आखिरत को बेच के दुनिया खरीदेंगे तो तबाह बर्बाद और गलत गर्क हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द करो और दुनिया को बेच दो, इबादत के राह में लगो। दुनिया को बेचने का मतलब इबादत के राह में लगो और आखिरत संवारो। आखिरत गूंजेंगी तो फिर कौन तुम्हारा बचा पाएंगा। सब तो बातें तुमको पता है। डबल से यौमुल क़ियामा, क़यामत का एक दिन आने वाला है, उस दिन वहां सबको खड़े रहना है। डबल से तुमको जिंदा करिए, डबल से तुम वहां जाकर हशर के मैदान में फैसले होंगे। जैसा अभी तुम खड़े आले वैसा दूसरा सूर जब फूकेगा इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, तो सबको जिंदा होना और जिंदा होकर फिर जाकर मैदान में खड़े रहना है। तो वहां तुम कैसा फैसला देंगे, तुम क्या समझ रहे फैसले रूहों पे होने वाले। अरे अकल से अंधो, तुम्हारे शरीर को डबल से उठूंगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रीढ़ के हड्डी से वापिस बुनने का हुक्म दूंगा। वापिस तुम जैसा अभी पैदा होकर जैसे खड़े आले ना, तुम ऐसे ही
होके दौड़ते हुए जाएंगे किधर, हशर के मैदान की तरफ, खबर में से निकल के जब फैसला होगा, तुम समझ लोगे रूह के ऊपर फैसला होगा, और मर जाने के बाद वो रूह को ले जाकर खबर में डालते, वो रूह को ले जाके हशर के मैदान में खड़े करेंगे, वो रूह को ले जाके जन्नत में डालेंगे। रॉन्ग, गलत, बहुत गलत सोच है तुम्हारी, क्योंकि रूह को नहीं डालने वाले, रूह को तुम्हारे जिस्म में डाल के डबल से पैदा करेंगे, तुम्हारा जिस्म जैसा अभी तुमको पैदा करे अल्लाह वैसा, जो बोलते ना पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म नहीं, कुरान में बोला हम तुमको अल्लाह ने फरमा दिया डबल से पैदा करेंगे, डबल से पैदा करने का मतलब है हशर के दिन पैदा करने वाले तुम्हारा डबल से, ये कयामत के दिन जो दिन रहेंगे हशर के मैदान का, तो तुम्हारे खबर से तुम उठेंगे जैसे तुमको अभी मार लग रही, जैसे अभी तुम्हारा जिस्म है, चमड़ी है, हड्डियां, खून है, गोश्त है, उसी तरीके से तुम उठ के जाएंगे। और फिर कैसा बर्दाश्त करेंगे, कैसा फिर फैसले होंगे, तो क्या करेंगे, आज तुम्हारा जरा सर का टेम्परेचर बढ़ जाता तो हाई हुप हो जाता तुम्हारा, तुम्हारा नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, एसी लगाओ, मस्जिदों में एसी होना, मस्जिदों में पंखे होना, खबर में कौन सा पंखा एसी लगाने वाले हैं, हशर के मैदान में कौन सी एसी लगाने वाली, सूरज जब नीचे आ जाएगा तो दिमाग ऐसा पकेगा चावल को दम दिए वैसा, तो नेक बंदों की तो अल्लाह हिफाजत करेगा, और अल्लाह क्या बोलते तो मोमिन बंदों की तुम्हारा वहां पे वो भी बता देगा कि क्या आलम रहेगा उनका, और गुनहगार बंदों ने जो दुनिया खरीदे थे तो उनकी भी आलम क्या रहेगा वहां पता चलेगा ना। तो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं बार बार ये बोलता कि इबादत की रस्सी को मजबूत सामो आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला ना का अदब करो, अदब करो, अदब करो, तुम पे वाजिब है उनका अदब करना, अगर बेअदबी करेंगे तो किसका कुछ नहीं जाता। अल्लाह कुरान में फरमा देता कि मेरे वलियों के बारे में जरा तिल बराबर भी बोझ रखे तो खुले जंग का ऐलान करता, तुम्हारी पूरी इबादतें, नमाजें, रोजे, जकात, तुम कितने बड़े भी आलिम, कितने बड़े भी मुफ्ती, खारी, बुखारी कुछ भी रहेंगे तो तुम्हारी पूरी नमाजें तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगी, पूरी इबादतें मुंह पे फेंक के मार के सब रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह से फरमा रहा ना तेरे से मैं जंग का ऐलान करता हूँ, खुले जंग का, खाली उनके वास्ते बुग्ज रखेगा दिल में, तो फिर कौन तेरी इबादत कबूल करेगा। बंदे ये बातों को समझो, समझो जरा, बहुत अदब है उनका और बहुत अदब करना पड़ता, उनका क्या मामला है वो तुमको क्या पता, जब कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ना समझ तो तोते के जैसा रट के बैठ जाएगा, फिर जैसा तोते कुछ खुद पता नहीं, मिट्ठू बैठे पप्पी दे खुद कुछ बोल रहा वो, तो वैसा तुम रट के बैठेंगे क्या। कुरान यहाँ से यहाँ तक पढ़ना वो आलिम रहता, और कुरान दिल से पढ़ने वाले अल्लाह वाले बुजुर्ग आने में, तो बहुत सारे गए राज है तुमको क्या पता, वो तो समझो और तहकीक करो तो तुमको सब बातें पता चलेंगी। अल्लाह कहीं सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो।